Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this IS Baba Daily Quiz monthly compilation January 2020 का और welcome to my UPSC Perseverance channel. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो. और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है सो आप चेक करो. वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड. आप एक बार चेक करो वो जाकर. इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड. सो हर वीडियो में मैं 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन आंसर. और जहाँ मुझे लगता है वहाँ पे मैं आपको डिस्कस मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस यहाँ पे करता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं हम. डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश किसने किया था, इससे रिलेटेड ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करता है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एंड द डेमोक्रेसी इंडेक्स इस इंडेक्स कंप्लाइड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट. यूके बेस्ड कंपनी है. और क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं. ये इंटरपोल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. और दो ऑप्शन दिए हैं आपको. इंटरपोल नोटिस आर द इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर द कॉपरेशन और अलर्ट अलाउविंग पुलिस इन द मेंबर कंट्रीज टू शेयर द क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन. इंडिया ज्वाइन द इंटरपोल 1949 को. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. और यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही है. बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट इंटरपोल से रिलेटेड है, सही है. इंडिया ने ज्वाइन किया था 1949 में. इंटरपोल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, इंटरपोल नोटिस ये एक इंटरनेशनल रिक्वेस्ट होता है फॉर कॉपरेशन और अलर्ट अलाउविंग पुलिस इन द मेंबर कंट्रीज टू शेयर द क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये शेयर करता है. नोटिस पब्लिश करता है बाय द जनरल सेक्रेटरी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नेशनल सेंटर ब्यूरो एंड आर मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज. जो भी मेंबर कंट्रीज होती है उन्हें अवेलेबल किया जाता है. नोटिस कैन बी यूज बाय द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू सीक द पर्सन वॉन्टेड फॉर कमिटिंग द क्राइम्स विद इन द सेल विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन. नोटेबली जिनोसाइड वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इन जो क्राइम्स वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड ये नोटिस यहाँ पे भेजता है. इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंटरपोल का. हैविंग ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन 1949 में ही इन्होंने इंडिया ने ज्वाइन किया था. क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं. नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय द ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको चेयर करती है. नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल ध्यान में रखना. उसके बारे में दिया है. इट विल सजेस्ट द मेजर्स टू फोस्टर और कल्चर टू फोस्टर अ कल्चर फॉर इनोवेशन अमंग्स द सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर. इट विल सपोर्ट द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज टू द इनक्यूबेशन रिसर्च एंड द डेवलपमेंट टू ट्रांसफॉर देयर इन टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. इट विल ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू फैसिलेट द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू एसिमिलेट इनोवेशन विद द व्यू टू इम्प्रूविंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी. इसके बाद में है. इट विल चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट विल कंसिस्ट ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरी लाइक फाउंडर एंड ऑफ द सॉरी कैटेगरीज लाइक फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वेटरन हु हैव ग्रोन एंड स्केल कंपनीज इन द इंडिया एटसेट्रा. इसे ये मतलब जो है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी इसे चेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस कैटेगरीज. कैटेगरीज दिए फाउंडर ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप वेटरन होते हैं जो बड़े लोग मतलब ज़्यादा एजड लोग होते हैं सीनियर पर्सन. वी हैव ग्रोन एंड स्केल कंपनीज इन इंडिया मतलब जिन्होंने कंपनी यहाँ पे ग्रो की है इंडिया में. उसके बाद में 84 क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वाइट रेनोसोर्स. रेनोसोर्स के बारे में है, गेंडे के बारे में है. इट इज़ द ओनली फाउंड इन द अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. द वाइट रेनोसोर्स कंसिस्ट ऑफ टू सबस्पीसीज सदर्न वाइट रेनोसोर्स एंड द नॉर्दर्न वाइट रेनोसोर्स. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है. बट ये ओनली ये मतलब एक्सट्रीम वर्ड हो गया, 90% रॉन्ग होता है ये. सो वाइट रेनोसोर्स से बारे में रिलेटेड है ये क्वेश्चन, हम डिस्कशन में देखते हैं. व्हाइट रेनोसोर्स और स्क्वेयर लिफ्ट रेनोसोर्स भी बोलते हैं इसे. यहाँ पे ये केराटोथेरियम सीमम ये साइंटिफिक नेम दिया. इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ द रेनोसोर एंड इट हैज़ अ वाइड माउथ यूज फॉर ग्रेजिंग मतलब ये चारा चरने के लिए ग्रेजिंग के लिए एंड द मोस्ट सोशल ऑफ ऑल रेनो स्पीसीज है. द वाइट रेनोसोर कंसिस्ट ऑफ द टू सब स्पीसीज है उसके मतलब दो टाइप है. सदर्न वाइट रेनोसोर है एंड विद द एस्टिमेट ऑफ
यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है इसका, वाइल्ड लिविंग एनिमल्स इन द 2015 एंड मच रेयर नॉर्दर्न वाइट डायनासोर है, इट इज़ ओनली फाउंड इन द अफ्रीका, ये अफ्रीका में फाउंड होता है ना कि साउथ ईस्ट एशिया, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग था, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द यूथ कोल ऐप के बारे में आपको पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दो ऑप्शन दिए हैं आपको। इट एम्स टू एस्टेब्लिश द कॉमन एजेंडा ऑफ द एशिया पैसिफिक कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन इट, एम्पावर यूथ टू एस्केलेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs थ्रू लीडरशिप सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट वॉज को क्रिएटेड इन 2017 बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द सिटी फाउंडेशन। सो ये दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, करेक्ट बताना है। सो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर सी है, बोथ वन एंड टू। सो आप पॉज करके एक बार पढ़ लो इसका एम और किसने क्रिएट किया था, ये UNDP एंड सिटी फाउंडेशन ने क्रिएट किया था 2017 में, यूथ को लैब के बारे में यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में वही दिया है स्टेटमेंट में जो दिए थे, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द आइडिया बिहाइंड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर लेड डाउन बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द प्रीएम्बल एक्ट एज अ एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिग्यूअस। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको करेक्ट आंसर पूछा था, सो बोथ वन एंड टू ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ये प्रीएम्बल के बारे में है, ये आइडिया था जवाहरलाल नेहरू ने इसे मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, अडॉप्टेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली January 22, 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया। ऑल दो नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट द प्रीएम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज एंड एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिग्यूअस। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड, ये किससे किस कंट्री से रिलेटेड है, इंडिया और ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से रिलेटेड है ताशकंद डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी सही था। डिस्कशन में पढ़ते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन वेयर पीस एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान साइन ऑन 10th January 1966 को हुआ था, दैट रिजॉल्व द इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 से रिलेटेड ये, एंड 1965 ध्यान में रखना जब लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। पीस हैड बीन अचीव्ड ऑन द 23 September बाय द इंटरवेंशन ऑफ द एक्सटर्नल पावर दैट पुश द टू नेशंस टू सीज अफ्रेड द कॉम्प्लेक्ट कुड एक्सक्लेट ड्रॉ इन द अदर पावर्स, मतलब ये आई थिंक ये रशिया में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है। उसके बाद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी ऑफिस में। कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इंडिया अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन बी सही है। कस्टोडियन ऑफ एनर्जी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ये ध्यान में रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वुलेमी पाइंस, ये इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इट इज़ द ओनली फाउंड इन द आर्कटिक रीजन एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल एंडेंजर ऑन द IUCN रेड लिस्ट, मतलब IUCN रेड लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर है। सो ये ऑप्शन टू ऑप्शन बी सही है, ये आर्कटिक रीजन में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वुलेमी इज द जीनियस ऑफ द कोनीफेरस ट्री इन द फैमिली ऑफ, यहाँ पे ये साइंटिफिक नेम दिया है, मैं कभी पढ़ नहीं पाऊँगा। एंड वुलेमिया वॉज नोन ओनली टू द फॉसिल रिकॉर्ड अंटिल द ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज वुलेमी नोबिल्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1994 इन द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट विल्डरनेस एरिया ऑफ द वुलेमी नेशनल पार्क इन द नाउथ न्यू साउथ वेल, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में है। जीनस इज नेम आफ्टर द नेशनल पार्क। द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ द वुलेमी ट्री हैज़ बीन डेटेड 200 million ईयर्स अगो, मतलब बहुत पुराना है। वुलेमी पाइन इज क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल एंडेंजर में लिस्ट में है ये IUCN रेड लिस्ट में, इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में है जैसे मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट ये रिलीज कौन करता है, ये UNCTAD करता है, अंकटाड जैसे बोलते हैं। इट इज़ रिलीज बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ध्यान में रखना समटाइम्स पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ऑपरेशन अल्बरिच ये एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज से रिलेटेड, ये जर्मनी एंड फ्रांस से रिलेटेड है ये ऑपरेशन अल्बरिच जर्मन एंड अटरिन हेम अल्बरिच, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वॉज द कोड नेम ऑफ द जर्मनी मिलिट्री ऑपरेशन इन द फ्रांस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द धनुष गन सिस्टम के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, दो ऑप्शन दिए यहाँ पे। इट इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द FH-77B 155 mm 39 कैलिबरी
field howitzer that were originally produced by the AV Vipors of Sweden. It is the product of the joint effort by the Ordnance Factory Board and the Indian Army with the contribution of the from the DRDO. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। धनुष गन सिस्टम के बारे में एक बार पॉज करके आप पढ़ लो, उसके बाद में यहाँ पे धनुष के बारे में यहाँ पे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट बाय द ओएफबी ऑर्डनेंस फैक्ट्री एंड द इंडियन आर्मी विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डीआरडीओ सेवरल अदर गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एपएच, यहाँ पे वो नाम दिया है ये धनुष हॉविट्ज़र का। ओरिजिनली प्रोड्यूस किया था ए बी बोफोर्स स्वीडन का है ये, विच इज़ नाउ बी ए सिस्टम है। उसके बाद में ये सिस्टम है इज़ अ टाउ हॉविट्ज़र डिज़ाइन बाय द इंडिजिनियसली बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड इट इज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन टू प्रोड्यूस इन इंडिया एंड हैज़ बीन बिल्ड एज अ सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशियटिव। मेक इन इंडिया इनिशियटिव का ये पार्ट है। सो ये 155 कैलिबरी गन सिस्टम ध्यान में रखना, ये मेक इन इंडिया इनिशियटिव का पार्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दो ऑप्शन दिए यहाँ पे, द आर्मी वॉज फर्स्ट फॉर्म इन 1942 अंडर द मोहन सिंह बाय द इंडियन प्रिजनर वॉर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय द जापान इन द मलेशियन कैंपेन मलाइंग कैंपेन एंड एट सिंगापुर। INA फॉट अलॉन्ग विद द इंपीरियल जापानीज आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया एंड कॉमनवेल्थ फोर्स इन द बैटल ऑफ द इम्फाल एंड कोहिमा। सो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है ये। और लेटेस्ट अभी आपने अमेजोन में देखा होगा, वो विकी कौशल का भाई भी, मतलब उनका भी अमेजोन प्राइम पे आया था, इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड एक शो था, फॉरगॉटन आर्मी, उससे रिलेटेड ही है। सो ये मतलब ये पूरा पैराग्राफ दिया है यहाँ पे, पॉज करके आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ही है, समटाइम्स आ सकता है आप। उसके बाद में 94 पे आते हैं, वकाताका डायनेस्टी से रिलेटेड है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दे आर कंटेम्परेनियस विद द सतवनास एंड वकाताका रूलर्स फॉलोड बाय द शेवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सतवाना ने नहीं किया था। ये वकाताका एम्पायर वॉज अ डायनेस्टी फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द डेक्कन इन द मिड थर्ड सेंचुरी कॉमन ईरा। देयर स्टेट बिलीव टू बी एक्सटेंड फ्रॉम द सदर्न एज ऑफ द मालवा इन गुजरात इन नॉर्थ टू द तुंगभद्रा रिवर इन द साउथ एज वेल एज फ्रॉम द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द एजेस ऑफ द छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट। दे वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ द सातवाना इन द डेक्कन एंड द कॉन्टेम्परेनियस विद द गुप्ता इन द नॉर्दर्न इंडिया। वकाताका रूलर फॉलोड बाय द शेवा सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म वाइल गुप्ता वे स्टॉन्च वैष्णवेट्स, मतलब गुप्ता ये वैष्णवेट्स को करते थे। वकाताका डायनेस्टी से रिलेटेड ये, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, गंगा वोल्गा डायलॉग ये इंडिया एंड रशिया से रिलेटेड है, ये बहुत न्यूज़ में था अभी, गंगा वोल्गा डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड रशिया न्यू दिल्ली में हुआ था। डायलॉग फोकस इज प्रोवाइडिंग द इंटरफेस बिटवीन द सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। सो ये गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना में है। अभी ये 1870 स्क्रैप हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में था पहले ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी बन गया है। सो ध्यान में रखना, बिसाइड आंध्र प्रदेश 5 अदर स्टेट विधान परिषद यहाँ पे है। बिहार में 58 मेंबर्स रहते हैं, कर्नाटका में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, यूपी में 100, जम्मू कश्मीर हैड अ काउंसिल अंटिल स्टेट वॉज बायफर्केटेड इनटू द यूनियन टेरिटरीज एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसलिए ये अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि वो 370 जो आर्टिकल था वो स्क्रैप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द ट्रीटी बैन द मिलिट्री एक्टिविटीज विद इन द स्पेस एंड द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। इंडिया इज अ पार्टी टू द ट्रीटी, मतलब इंडिया पार्टी है। यस ऑप्शन बी यहाँ पे टू सही है, टू ओनली। ये ट्रीटी किससे रिलेटेड है देखते हैं, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन स्पेस 1967 ऑफ आउटर स्पेस कंट्री। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेपन इन द आउटर स्पेस आर अलोन प्रोहिबिटेड। द आउटर स्पेस ट्रीटी डज नॉट बैन मिलिट्री एक्टिविटीज विद इन द स्पेस मिलिट्री स्पेस फोर्सेज और द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वेपन मास डिस्ट्रक्शन इन द स्पेस।
सो ये ध्यान में रखना, ये TT किससे रिलेटेड है और इसको मतलब ये बैन नहीं किया था मिलिट्री एक्टिविटीज़, आउटर स्पेस ट्रीटी डज नॉट बैन द मिलिट्री एक्टिविटीज़ विद इन द स्पेस, बैन नहीं किया था, इसलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स ये कौन कंपाइल करता है, आपको चार ऑप्शन दिए, ये इंसीड करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ग्लोबल सॉरी एक बार मैं देखता हूँ, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द INSEAD इन कोलेबोरेशन विद द ह्यूमन रिसोर्स फर्म अडिको एंड गूगल, सो GTCI ध्यान में रखना। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीकैक टेक्नोलॉजी के बारे में, ये पॉलीकैक टेक्नोलॉजी अभी बहुत न्यूज़ में थी, दो स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इट कन्वर्ट्स द मल्टीपल फीड स्टॉक इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल गैस कार्बन एंड वाटर, इट ऑपरेट्स एट अ लो टेम्परेचर ऑफ लेस देन 350 डिग्री सेल्सियस, सो दो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ते हैं, पॉलीक्रैक इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंट हेट्रोजीनियस कैटालिस्टिक प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स द मल्टीपल फीड स्टॉक इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल गैस कार्बन एंड वाटर, पॉलीक्रैक स्ट्रेंथ इंक्लूड नॉट रिक्वायर्ड प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अलोविंग वेस्ट एज अ कलेक्टेड टू बी डायरेक्टली यूज विद द हाई मॉइस्चर टॉलरेंस एंड डाइंग ड्राइंग ऑफ द वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। फीचर्स क्या है इसके पॉलीक्रैक के, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेस दैन 350 डिग्री सेल्सियस, हाई मॉइस्चर टॉलरेंट अप टू 50%, एटमोस्फेरिक स्पेशल रिएक्टर, यूनिक मल्टीफंक्शनल कैटालिस्टिक प्रोसेस, मल्टीपल हेट्रोजीनियस मिंगल फीड स्टॉक कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंट फ्यूल क्वालिटी है, नो प्री सेग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल्स इन सेग्रीगेशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, एंटायर यूनिट इज एनक्लोज, नो डस्ट एंड स्मोक पॉल्यूशन, मॉड्यूलर सिस्टम दैट कैन बी अपग्रेड बेस्ड ऑन गार्बेज जनरेशन, सो ये कुछ फीचर्स है पॉलीक्रैक के। उसके बाद में हमारे 100th क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इज इंस्टॉलिंग बॉय रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द मिथरम मिथापुर कोस्ट इन गल्फ ऑफ कच्छ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, दो स्टेटमेंट दिए, टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय पासिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द इलेक्ट्रोड इन द वाटर, द टेक्नोलॉजी हेल्प्स कोरल इंक्लूडिंग द हाईली सेंसिटिव बेंच ब्रांचिंग कोरल टू काउंटर द थ्रेट पोज बाय द ग्लोबल वार्मिंग, सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, बोथ 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंस्टॉल किया था बायो रॉक स्ट्रक्चर मिथापुर ये गल्फ रीजन में कच्छ एरिया में है, सो ये यहाँ पे दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था आप एक बार पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो ये पूरा पैराग्राफ। इसके बाद हम हमारे 101 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा सो आप कर सकते हो, तब तक के लिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।